नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। सरकार द्वारा जारी गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए लाभकारी योजनाएं जैसे मुफ्त आवासीय योजना, शौचालय योजना में लाभार्थियों के साथ हो असुविधा एवं अनियमितता के चलते गुरुवार को नगर पंचायत परिसर जैतपुर में मोहम्मद ताहिर संगठन के नगर अध्यक्ष व सभासद की अध्यक्षता में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के जिला पदाधिकारी व ब्लॉक पदाधिकारी की मौजूदगी में दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे व आसपास के नागरिकों समेत भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अपनी प्रमुख मांगों के तहत नगर पंचायत जैतपुर के रईस कटरा वार्ड द्वितीय में गढ़ी इमामबाड़ा के गेट से MR स्कूल की पुलिया तक नाली निर्माण पर लगाया जा रहे इंटरलॉकिंग, जो मानक के विरुद्ध होने के कारण जनता के विरोध पर निर्माण कार्य रुका हुआ है, आने जाने में काफी बाधा है, उसे मानक के अनुरूप अविलंब पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शौचालय से वंचित पात्र जरूरतमंदों को शौचालय की व्यवस्था अविलंब उपलब्ध कराई जाएगी। गरीबों हेतु गृह कर व जल कर 50 रुपए से 100 रुपए तक लगाया जाए तथा टाउन एरिया का सामूहिक शौचालय जो ग्राम गुलरिया पंचायत की जमीन पर बना है जो अवैध है, जांच कर टाउन एरिया क्षेत्र में बनाया जाए तथा नगर पंचायत द्वारा किए गए वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा के लिए लोहे के घेरों लगा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। इस धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों में मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद मेराज, सलाहुद्दीन, अबू सुफियाना, शाह आलम, इरफान सीढ़ी, धनीराम यादव, राज सरवन यादव, शिवदयाल विश्वकर्मा, राजकुमार रावत, संतराम तिवारी, रामपाल रावत, सीता देवी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ कृष्ण गोपाल सोनी, बाराबंकी की रिपोर्ट।